अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नाज़रीन, इस वक्त हम खपलू, जो एक बड़ा ही ख़ूबसूरत गांव है, उस जगह पे मौजूद हैं और मंज़र आप देख सकते हैं कितना प्यारा है। ये गिलगित बल्तिस्तान के नवाही गांव का नाम है और हम यहाँ थोड़ी सी चहलकदमी के लिए निकले थे। इतना ख़ूबसूरत मंज़र, इतना प्यारा सीन मैंने ज़िंदगी में पहले नहीं देखा। अल्लाह हू अकबर, क्या बात। छोटे छोटे झरने, आबशारें, नदियाँ, नाले और ये कुदरती सब्ज़ा। अल्लाह हू अकबर, अल्लाह माशाल्लाह। ये खपलू सिर्फ खपने का नाम नहीं है, 1200 किलोमीटर सफ़र तय करने के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं। तो एक मरतबा जब आप मंज़र देखते हैं, आपकी सारी थकावट उतर जाती है और आप इतने हशाश बशाश हो जाते हैं कि आपको मैं क्या बयान करूँ। ये देखें, हमारे बुज़ुर्ग भी हमारे साथ हैं, माशाल्लाह। रज़ा है, देखें इसके काम देखें। ये जी हमारे काफिले के निगरान मोहम्मद शाहिद अत्तारी साहब हैं। जी शाहिद भाई, आपको कैसा लगा खपलू का ये इलाका? मदीना मदीना, अल्लाह ताला की कुदरत के नज़ारे, सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, क्या बात है। खपलू होके आए थे, हम सोच रहे थे क्या बनेगा, तो लेकिन आपको पता चला है कि वाकई खपलू खपलू माशा। अल्लाह अकबर, देखें यार कैसा मंजर, आपने कभी नहीं देखा होगा ऐसा मंजर। खूबसूरत इलाके, खूबसूरत झरने, खूबसूरत नदियाँ। अल्लाह अकबर, आए हाय हाय हाय, क्या ही मंजर है। इतने तो बुढ़ा जा बंदा भी जवान हो जाता है। अल्लाह अकबर, कितना सब्ज़ा और घना जंगल है और ये खूबसूरत पत्थर जो जुड़े जड़े हुए हैं इधर। ध्यान से चलें।